में पढ़ते हैं। मैं धनंजय कुमार सिंह, हमारे दो बच्चे डीएवी स्कूल लोनी रोड में पढ़ते हैं और पिछले साल से हम लोग स्कूल के फीस बढ़ाने के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इन्होंने अनावश्यक रूप से 25% फीस जनवरी 2018 में बढ़ाई। इसके लिए हम लोग जब प्रिंसिपल से मिलने गए कि ये फीस कैसे बढ़ाई, नई पुरानी स्लिप दोनों ले करके गए, तो इन्होंने बोला कि ये फीस जो हमने बढ़ाई है वो पेरेंट टीचर एसोसिएशन के मेंबर और स्कूल के पेरेंट्स को बुला करके उनकी मीटिंग करके बढ़ाई है। हम लोगों ने बोला मैडम हमें तो ये पता भी नहीं है कि हमारे स्कूल में पीटीए है और कब मीटिंग हुई, कब बढ़ाने का निर्णय हुआ। तो उन्होंने बोला कि हम ये सब चीज़ आपको थोड़ी बता सकते हैं। तो हमने बोला हम भी पेरेंट्स हैं इस स्कूल के, तो आज तक आपने ये क्यों नहीं करा। तब इन्होंने बोला कि जिस फीस तो हमारी, हमने बोला कि घटाइए फीस, तो इन्होंने बोला कि फीस तो घटेगी नहीं, जिनको अपने ज़्यादा फीस लग रही है वो दूसरे स्कूल में एडमिशन करा लें। कितना अंतराल होगा फीस में जो पहले के में और अब? 25% के लगभग इन्होंने फीस बढ़ा दी। इन्होंने बताया कि एक बार हमने 7.5% बढ़ाया, फिर उसका टोटल का 15% बढ़ाया, तो टोटल ये इफेक्ट 25% के करीब आया था हमें, जो अचानक बर्डन लगने के कारण हम लोग गए थे। उसके बाद हम लोग रेगुलर इनसे भी कई मीटिंग करी, हमने इनको ये भी बोला कि जो आप बोलते हैं कि पीटीए है तो हमें पता नहीं, आप पीटीए जीवीएम बुला करके पीटीए के वो करिए, लेकिन ये आज अभी तक हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। उसके बाद हम लोग हमारे सीएम साहब के पास गए, उन्होंने फिर ऑर्डर भी करा स्कूल के अकाउंट्स का ऑडिट करके कि इनके पास 7th पे देने के बाद भी सरप्लस फंड है। उस ऑर्डर को भी इन्होंने नहीं माना। उसके बाद इन्होंने पेरेंट्स को नोटिस का, लीगल नोटिस भेजा फी का कि फ़ी पेंडिंग है आप जमा करिए नहीं तो आपके बच्चे को निकाल देंगे, और कुछ पेरेंट्स को ये भेजा कि आप स्कूल को डिफेम करने के लिए बैनर पोस्टर लगा रहे हैं, हमारी बदनामी हो रही है, हम आप पे मानहानि का मुकदमा करेंगे, क्यों आप ऐसा कर रहे हैं। तो इन सब परेशानियों से हम लोग बहुत परेशान हैं। हम लोग अपने काम छोड़ करके मैडम से मिलने जाते हैं या गवर्नमेंट ऑफिशियल्स में जाते हैं, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं। उसके बाद 15 अगस्त को हाईकोर्ट ने ऑर्डर दिया कि शिक्षा विभाग का कोई ऑर्डर था उसको ये वापस कर रहे हैं, उसको नल कर दिया, अवॉइड कर दिया कि वो नहीं ले सकते। तो इन्होंने तुरंत सर्कुलर जारी किया कि आप फीस दीजिए, और फिर सबको पुरानी जो बढ़ी थी वो तो दिया ही उसका नोटिस, और उसके बाद और 15% इस साल में इंक्रीज करके दे दिया। उसके बाद फिर हम लोग यूएस प्रताप जी से मिले, तो उन्होंने बोला कि नहीं अभी हाईकोर्ट ने स्टे दे रखा है, लेकिन अभी तक स्टे के बाद भी अभी तक हमारे स्कूल ने किसी को ये नहीं दिया है कि आप लोगों को वो जो सर्कुलर दिया गया था वो वापस लिया गया है। तो हम लोग आपसे ये मांग करते हैं कि हमारी बातों को आप सरकार तक पहुँचाइए, जिससे कि हम लोगों का कुछ यहाँ हो पाए, हमारे यहाँ पीटीए बने, जो कुछ सुविधा नहीं मिल रही है वो स्कूल में सुविधा दी जाए। बाकी आप भी बोलिए, आप लोग भी पेरेंट्स हैं, आप लोग कुछ पता। हमारा जो मेन इशू है फीस का तो था ही था, इसके अलावा कि हमारा जो पीटीए, हमने साल भर पहले से इनको पीटीए के लिए बोला हुआ है कि पीटीए, इन्होंने ये कहा कि भी हमने पेरेंट्स की जो बनाई हुई है कमेटी उसी के अकॉर्डिंग हमने फीस बढ़ाई है, लेकिन हमने जब इनसे लिस्ट मांगी थी कि भाई आप हमें पीटीए के मेंबर उसकी लिस्ट दे दो, तो आज तक उन्होंने प्रोवाइड नहीं कराई है। जब हमने कहा कि आप एक जीवीएम बुला लीजिए पेरेंट्स की, उसमें आप वो करवा लीजिए, तो उसका भी कोई आज तक हमारे पास जवाब नहीं है। तो हम लोग इस चीज़ से दुखी हैं, क्योंकि ये जो एक्सेस चार्जेज हैं, स्मार्ट क्लासेस चार्जेज हैं, वो बढ़ा रहे हैं बेमतलब के, जो कि लॉजिकल नहीं है। ठीक है, हम लोगों ने इनका जो डेवलपमेंट फर्स्ट, इनका जो ऑडिट रिपोर्ट थी उसके अकॉर्डिंग हमने इन्हें बेस पर मांगा था कि आप बताइए कि इसमें क्यों, इसको आप ऑर्डर को क्यों मानने नहीं कर रहे हैं। कहते हम इसको नहीं मान रहे हैं, उन्होंने क्लियरली इसको रिफ्यूज़ कर दिया है। पूरा नाम बताइए। महावीर सिंह राणा। स्कूल का पूरा नाम? डीएवी पब्लिक स्कूल में मेरे बच्चे पढ़ते हैं, दोनों बच्चे पढ़ते हैं, ईस्ट ऑफ लोनी रोड में। ठीक है, और मेरा नाम महावीर सिंह राणा है। मेरा नाम मनोज सिंघल है और डीएवी ईस्ट ऑफ लोनी रोड में मेरे बच्चे पढ़ते हैं, और हम लोग भी काफ़ी परेशान हैं। स्कूल बार बार, और ये इसी स्कूल का मुद्दा नहीं है बल्कि सारे स्कूलों का मुद्दा है, कि स्कूल बार बार फीस बढ़ाए जा रहे हैं, जबकि स्कूल डीडीए की लैंड पर बने हैं। और रूल के हिसाब से अगर डीडीए की लैंड पर स्कूल बना है और उनका ऑडिट हो चुका है, हमने ऑडिट भी कराया आरटीआई डाल के स्कूल का, उसमें साफ साफ दिखता है कि स्कूल के पास सरप्लस फंड है। सरप्लस फंड है, उस केस में तो किसी भी हालत में स्कूल फीस नहीं बढ़ा सकता है, लेकिन फिर भी स्कूल फीस बढ़ाए जा रहे हैं। अब बड़ी मुश्किल से कोर्ट ने ऑर्डर दिया है, तो स्कूल ने फीस बढ़ी हुई जो थी वो रोकी है। उसके बावजूद भी काफ़ी सारे मुद्दे हैं, जैसे अभी किसी ने बताया कि पीटीए का मुद्दा है, पेरेंट्स टीचर एसोसिएशन। हम पेरेंट्स हैं,
इतने सारे पेरेंट्स हैं, हम लोगों को यही नहीं पता कि स्कूल में पीटीए में कौन से पेरेंट्स मेंबर हैं कौन नहीं है। उनसे हमने लिस्ट मांगी, कोई लिस्ट नहीं दी जा रही हमने। हम स्कूल को बार बार ईमेल भेजे जा रहे हैं, ईमेल का कोई जवाब नहीं दिया जा रहा है। उल्टे स्कूल की तरफ से हम लोगों को लीगल नोटिस भेज दिए गए। लीगल नोटिस किस चीज़ का? कि आपने फ़ीस जमा नहीं की है। लीगल नोटिस किस चीज़ का? कि आपने शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया है, यहाँ पर बैनर के साथ हमने प्रदर्शन किया, उस चीज़ का लीगल नोटिस भेज दिया गया। हैरेस किया जा रहा है पेरेंट्स को। तो स्कूल से रिक्वेस्ट यही कर रहे हैं हम लोग कि भाई रूल्स के हिसाब से चलें। पेरेंट्स जो आपके साथ कोऑपरेट करना चाहते हैं, हम लोगों का उद्देश्य यही है कि हमारे खुद के बच्चे इस स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो स्कूल जो है वह रूल्स रेगुलेशंस से चले और स्कूल सारे रूल्स को फॉलो करे, अच्छे से एजुकेशन मिले हमारे बच्चों को, यही हम चाहते हैं। एक तरफ सरकार बोलती है कि सर्व शिक्षा अभियान, सबको शिक्षा मिलनी चाहिए, और एक तरफ यहाँ पे बच्चों के साथ ये नाइंसाफियाँ हो रही हैं, फीस पे फीस बढ़ाई जा रही है। जी हाँ जी हाँ। हालांकि मैं फिर कहना चाहूँगा, सरकार जो इस समय है वो काफ़ी, हम लोग गए सीएम साहब से मिलने गए 2-3 बार, और उसी का परिणाम था कि वहाँ से ऑर्डर आया और स्कूल को फीस जो बढ़ी हुई थी वो रोकनी पड़ी। लेकिन उसके बाद भी स्कूलों ने पता नहीं क्या ठानी हुई है कि बिल्कुल भी मान नहीं रहे, ऑर्डर्स को इम्प्लीमेंट नहीं किया है। हमारे पास उनके जो जो ऑर्डर्स हैं, जो शिक्षा विभाग ने, जो मिस्टर जो हमारे सीएम हैं, तो उन्होंने इन चीज़ को ऑर्डर करवाए थे। तो ऑर्डर करने के बाद जो शिक्षा विभाग है जो उसको इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर रहा, और यहाँ तक कि बाद हम शिक्षा विभाग डीडी के पास भी कई बार गए थे, लेकिन उन्होंने भी क्या किया कि हमारे को कई बार अवॉइड किया है। मतलब हमारे को, मतलब हमने जो लेटर दिए हैं, जो भी दिए हैं, ये आते थे विजिट करने के लिए, अपना खाना पीना खाते थे, अपना पैकेट पकड़ते तो निकल जाते थे। इससे बड़ी अब बात क्या बताएं। हम फ्रस्ट्रेट होकर फिर हम जब इन चीज़ों को हम लगे रहे, मुहिम के अंदर लगे रहे, तो अब जाकर हमारे पास थोड़ा सा रिजल्ट आया। लेकिन अब दूसरी चीज़ ये भी है कि अब आप लोग क्या चाह रहे हैं? हम ये चाहते हैं कि हमारा फीस का जो मैटर, जो फीस का मैटर है वो तो होना ही चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये डीजे लैंड पे बना हुआ है, इनके पास एक्सेस पड़ना है। जो ऑर्डर इशू हुए हैं उनको इम्प्लीमेंटेशन हो जाए, प्लस जो हमारी पीटीए है, जो पीटीए के जो का दोबारा बनाई जाए उसको, ठीक है, जो हमारे मेन मांग है, और जो सिक्योरिटी मुद्दों पर हम पेरेंट्स हो, एक्चुअल जो पेरेंट्स हैं जो चाहते हैं इस चीज़ का करने के लिए, उन चीज़ों पर बात की जाए, ठीक है। फिर कुछ और भी मुद्दे हैं, जैसे कि स्कूल एक तरफ कहता है बच्चों से कि फास्ट फूड या जंक फूड खाना अच्छी बात नहीं है, दूसरी तरफ स्कूल में ही कैंटीन बनी हुई है जहाँ पर जंक फूड सर्व किया जाता है। फिर बुक्स की बात है, जैसे इस बार हम लोगों ने, पेरेंट्स ने मिल के एक बुक का एक्सचेंज प्रोग्राम चलाया हमने, कि जो पिछली क्लास के बच्चे हैं वो अगली क्लास के में आ गए हैं बच्चे, वो पिछली क्लास के बच्चों की बुक्स यूज़ कर सकते हैं उस तरह से। तो वो सब मुद्दे भी हम लोग पेरेंट्स मिलके हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि बच्चों के कल्याण के लिए, अपने हमारे सबके बच्चे हैं, और हमारा ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है कि स्कूल, हमारा उद्देश्य यही है कि स्कूल बेहतर हो, स्कूल में एजुकेशन बेहतर हो और हम लोगों को उसमें भागीदार बनाया जाए, हम लोग भी उसमें कॉन्ट्रीब्यूट करें, स्कूल के साथ मिलके उसको बेहतर बनाएं। अच्छा, आप लोगों से ये कहा जाता है कि फीस नहीं जमा करोगे तो अपने बच्चों को आप अपने दूसरे स्कूल में करा सकते हैं? हाँ, कुछ पेरेंट्स से ये भी बात कही है, मैं खुद नहीं कह सकता ये बात, मुझे नहीं कही गई ऐसी बात कोई, लेकिन सुनने में आया कि कुछ पेरेंट्स को ये बात भी बोली गई कि भाई आप अगर बड़ी हुई फीस नहीं जमा करा सकते तो आप दूसरे स्कूल में करा लीजिए, इस तरह की बातें भी कही जाती हैं। हम आपका रिजल्ट रोक लेंगे, आपको नई क्लास में एडमिशन नहीं देंगे। दूसरी चीज़ ये है कि कुछ बच्चों को एडमिशन ही उसी शर्त पर दिया गया था कि पहले आप अपनी फीस जमा कराइए, जो कि ड्यूज नहीं बनती थी इनके वहाँ, जो कि मतलब जेन्युइन जो स्कूल से लेना था हम लोगों ने, तो उन बच्चों को, जो नए बच्चों, उनके जो सिबलिंग बच्चों को एडमिशन उसी शर्त पे दिया गया कि पहले आप अपनी रसीद दिखाई जाए कि आपने पूरे पैसे जमा कराएं, तभी हम आपके बच्चों को एडमिशन देंगे। अभी तो कुछ पेरेंट्स की ये शिकायत भी आई है हमारे पास कि भाई हम लोग आपको 11th में एडमिशन देंगे ही नहीं, क्योंकि जब तक आप पूरा पैसा जमा नहीं कराएंगे। और जो हाई कोर्ट का जो ऑर्डर है, हाई कोर्ट का ऑर्डर, बच्चों के शिक्षा के साथ खेला जा रहा है, पेरेंट्स को भी मेंटल हेल्थ, क्लास टीचर हैं, क्लास में बच्चों को बोलते हैं आपने पैसे जमा नहीं कराए, फीस जमा नहीं कराई, आपने अपने पेरेंट्स को बुलाई, अपने पेरेंट्स को, बच्चों को क्या मतलब होता बोलने का, जब कम्युनिकेशन प्रिंसिपल मैम के साथ हो रहा था, बच्चों से तो कोई मतलब नहीं होना चाहिए ना इन चीज़ों के बारे में। तो ये थोड़ा सा बड़ा दुख की बात है कि जो बच्चों के साथ वो कर रहे हैं। ये है कि अगर हमारी शिकायतें नहीं सुनी जाएगी तो हम लोग शांतिपूर्ण ढंग से स्कूल के खिलाफ ये प्रोटेस्ट करते रहेंगे, क्योंकि हम लोग की उतनी आमदनी नहीं है कि हम लोग इतनी चीज़ों, हमने इसकी फीस कम थी इसलिए, और भी अच्छे अच्छे स्कूल हैं, हम वहाँ अपने बच्चों को पढ़ा सकते थे, लेकिन हम अफोर्ड नहीं करते। और दूसरा, दिल्ली में एडमिशन का वो स्थिति है कि अगर आपने अपने बच्चों को किसी स्कूल से निकाल लिया एक बार, तो आपको फिर अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए दूसरे स्कूल में आपको एडमिशन का आज की डेट में समझिए चांस बिल्कुल है ही नहीं, क्योंकि जो स्कूलों की हो गई है कि कैपिटेशन फीस जो इतनी लेते हैं लोग, हम लोग जब इतनी फीस नहीं दे पा रहे हैं तो हम लोग ये दूसरे स्कूल में एडमिशन करने के लिए कैपिटेशन फीस कहाँ से दे पाएंगे। और एक चीज़ और करना चाहता हूँ
कि इस स्कूल में जो है ना कई तरह की फीसें ली जाती है। अभी क्या है कि डेवलपमेंट फंड, पुपिल्स फंड, अपना एक नया चार्ज लिया है स्मार्ट क्लास चार्जेज, जबकि स्मार्ट क्लास चार्जेज है क्या, ये तो स्कूल का एक तरह से डेवलपमेंट ही है ना। तो डेवलपमेंट में स्कूल के पास इनकी ऑडिट रिपोर्ट के हिसाब से ही 2 करोड़ रुपए फंड है डेवलपमेंट फंड में, जो सरप्लस पड़ा हुआ है, जो यूज नहीं हो रहा है। तो फिर क्या कारण बनता है कि स्मार्ट बोर्ड वो उस पैसे को यूज करके ना लगा करके वो हर पेरेंट्स पे बोझ डाल रहे हैं और हर बच्चे पे 150 रुपये हर मंथ स्मार्ट क्लास लगाया जा रहा है, प्लस जो बच्चे ऊँची क्लास में हैं उनसे साइंस क्लास के नाम पे, कंप्यूटर क्लासेस के नाम पे अलग अलग फीस लिया जा रहा है। तो हम ये चाहते हैं कि हमें एक पता हो जो गवर्नमेंट का नॉर्म्स है कि आप ट्यूशन फीस ले सकते हैं, डेवलपमेंट फीस ले सकते हैं, वो डेवलपमेंट फीस वो ले सकते हैं जो अगर फंड डेवलपमेंट के लिए फ़ंड नहीं है, तो अगर फंड है तो उसको पहले यूज करेंगे तब स्टूडेंट से पेरेंट्स से लेंगे उनसे फीस। ये तो हम ये चाहते हैं कि हमारे जो भी ये इतने कर रखे हैं इतने फ़ंड, ये जो बेसिक जो लेना है इनको डेवलपमेंट फ़ंड, पुपिल्स फंड भाई गवर्नमेंट ने ऑर्डर दिया है कि आप नहीं ले सकते, तो डेवलपमेंट फ़ंड, एनुअल चार्जेज और ट्यूशन फी, ये तीन ही फीस मेन है। तो आपको जो भी करना है इस इन तीनों में ही डिवाइड करके पेरेंट्स से लीजिए, बाकी जो फीसें आप इधर की ले रहे हैं वो ले रहे हैं वो सब ना लिया जाए। अगर देखिए, हम ये चाहते हैं कि स्कूल पेरेंट्स को भी बच्चों की शिक्षा में भागीदार बनाए, लेकिन अभी तक स्कूल की जो नीतियां हैं उनको देखकर ऐसा लगता नहीं कि वो पेरेंट्स का किसी भी तरह से भागीदारी चाहते हैं। क्योंकि देखिए, पिछले एक साल से हम लोग ये लड़ाई लड़ रहे हैं, शांतिपूर्वक लड़ रहे हैं, बार बार स्कूल से जाके मिल रहे हैं, उनको ईमेल्स डाल रहे हैं, सीएम साहब के पास गए, डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन में गए, कम से कम डायरेक्टर एजुकेशन डिपार्टमेंट में हम लोग 10 बार 12 बार सब लोग जा चुके हैं, कभी कोई जाता है कभी कोई जाता है। तो उन्होंने कोई संज्ञान लिया? हाँ, उन्होंने वो लोग ऑर्डर दिया, उन्होंने ऑर्डर दिया, उसी ऑर्डर की वजह से 2018 को उन्होंने स्कूल की ऑडिट रिपोर्ट को देख करके उसमें बहुत सारी वायलेशंस थी, जबकि स्कूल की ऑडिट रिपोर्ट में ही ये लिखा हुआ था कि सेवेंथ पे देने के पास भी 2016-17 के ऑडिट रिपोर्ट में कि इनके पास 50 से ऊपर का सरप्लस फंड है, और जो इन्होंने अपने यहाँ दिखा रखे थे खर्चे उस पर भी बहुत सारे खर्चे उन्होंने करे कि ये खर्चे जेन्युइन नहीं लग रहे, इसका हमें पूरा वो डिटेल दीजिए कि कैसे ये खर्चे करें, लेकिन ये उस ऑर्डर को भी मानने को तैयार नहीं है। इसी बीच में वो ऑर्डर आगे और बढ़ता कार्रवाई होती, तब तक ये 15 मार्च को हाई कोर्ट का ऑर्डर आ गया, उसके बाद इन्होंने और 15% बढ़ा दी। और एक साल से हम लोग, जैसा मैंने बोला, कि शांतिपूर्वक हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, और भी स्कूलों की हम खबरें पढ़ते हैं, किसी स्कूल के पेरेंट्स ने 500 पेरेंट्स ने जाके स्कूल में पूरा एकदम से धरना प्रदर्शन और हो हल्ला कर दिया, स्कूल हाय हाय ये कर दिया वो कर दिया, उस तरह का हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, कुछ नहीं चाहते हैं हम लोग, क्योंकि हमें पता है स्कूल में हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, स्कूल की रेपुटेशन है। लेकिन हम ये भी चाहते हैं साथ ही साथ कि स्कूल भी समझे अपनी जिम्मेदारी बच्चों के प्रति, पेरेंट्स के प्रति, जो कि वो समझ नहीं पा रहे हैं, हमारे बार बार उनको रिक्वेस्ट करने के बावजूद भी वो नहीं समझ पा रहे हैं। हम उनसे बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भाई आप पीटीए को रिकन्स्ट्रक्ट करिए, जो पेरेंट्स एक्टिव हैं उनको आप ऐड करिए, जो पेरेंट्स स्कूल का वेलफेयर चाहते हैं, पेरेंट्स का वेलफेयर चाहते हैं, बच्चों का वेलफेयर चाहते हैं, उनको ऐड करिए, लेकिन कोई जवाब नहीं दिया जा रहा है। तो हम सब लोगों की यही एक, जैसे आपने पूछा कि अगर कुछ नहीं होता है तो क्या करेंगे, कुछ नहीं होता है तो हम अपनी लड़ाई जारी रखेंगे शांतिपूर्वक तरीके से, पहले कोशिश करेंगे, उससे नहीं होता है, हम कई बार सीएम साहब से मिल चुके हैं, फिर दोबारा हम सीएम साहब के पास जाएंगे, अगर फिर भी कुछ नहीं होता है हम एजुकेशन डिपार्टमेंट के बाहर धरना प्रदर्शन करेंगे, सीएम साहब के घर के बाहर धरना प्रदर्शन करेंगे, अगर कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता है फिर हमें हार के स्कूल के बाहर प्रदर्शन करने पड़ेंगे। मेरा नाम नीलू चौहान है और मेरे बच्चे डीएवी लोनी रोड में स्कूल में पढ़ता है। पिछले कुछ समय से इन्होंने फीस बढ़ानी शुरू कर दी है, जिसकी वजह से मुझे घर में थोड़ी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, मुझ पर और भी जिम्मेदारियाँ हैं, एक सिर्फ यही नहीं है कि मैंने अपने बच्चे को अच्छे स्कूल में अच्छी पढ़ाई देनी है। स्टार्टिंग में इन्होंने कोई इतना प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करा, लेकिन कुछ सालों से, 3 से 4 सालों से इन्होंने फीस एकदम से बढ़ानी शुरू कर दी है। अब हम लोग उसको विरोध कर रहे हैं तो उसमें भी हमें प्रॉब्लम हो रही है। अभी इन्होंने बोला कि आप कुछ फ़ीस जमा कराइए, हमने करा दी, फीस जमा के कराने के बाद भी नए सेशन में इन्होंने एक्स्ट्रा चार्जेस और एक्स्ट्रा फीस बढ़ा के लगा दी है, जो हमारे लिए सबमिट कराना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हम लोग मिडिल क्लास फैमिली हैं, हमारी सैलरीज तो उतनी नहीं इंक्रीमेंट हुई, लेकिन
फी बढ़ने की वजह से हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है। सरकार से क्या कहना चाहेंगे? बस सरकार से यही कहेंगे कि हमारे बच्चों की फ़ीस के लिए जो ये बार बार बढ़ाने का दौर शुरू होता है, हर साल एनुअल चार्जेस देने हैं, 15% बढ़ानी है, तो या तो हमारी सैलरी भी बढ़ाई जाए या फिर बच्चों की फ़ीस बढ़ाने पर रोक लगाई जाए।